आप यहां तक पहुंच गए थे ना जूसिप तक, आज्ञा सूचक। चलिए आज इसको देखते हैं। ये बनवर्ड्स हैं, एक शब्दार्थी, आपको पूरी लाइन के लिए एक शब्द ढूंढना है। समथिंग दैट बिकम्स आउटडेटेड, जो चीज आउटडेटेड हो जाती है, अभी इस समय फैशन में नहीं होती, अपडेटेड नहीं होती, वो प्राचीन हो जाती है, मतलब पुरानी या नॉट इन यूज, अपन इसको पुरानी बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउट मॉडर्न या आउट मोडेड, इसको आउट मोडेड भी बोलते हैं और आउटडेटेड भी बोलते हैं, आउटडेटेड। और यहां पूछ रहा है आपसे आउटडेटेड चीज क्या होती है, तो इसका आंसर देगा ऑब्सोलीट। यूजलेस, यूजलेस होता है निरर्थक, इसका विलोम शब्द क्या है, अरे विलोम शब्द क्या है, यूजफुल। एंशिएंट मानी क्या होता है, प्राचीन, और प्राचीन का अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राचीन का विलोम शब्द क्या है तो आप बता सकते हो, सॉरी सिनोनिम क्या है, समानार्थी क्या है, तो एक तो है प्रिस्टाइन, आपने पढ़ा होगा प्रिस्टाइन, एक है प्रिमिटिव, पी आर आई एम आई टी आई वी प्रिमिटिव, एक आप जानते हो एंटीक्वेटेड, ए एन टी ई क्यू यू ए टी डी एंटीक्वेटेड, ये आपके, और आर्केक भी है, ए आर सी एच ए आई सी आर्केक। तो आपके चार शब्द आपको याद रखने हैं एंशिएंट के लिए, प्रिस्टाइन, प्रिमिटिव, एंटीक्वेटेड और आर्केक। देखो दोबारा, ये वाला वर्ड तो तुमने जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में पढ़ा है, 12th क्लास का जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसके अंदर पढ़ा था कि भाई दुनिया बहुत पुरानी है, प्राचीन है, और एक मूवी देखी होगी आपने, ओल्ड प्रिमिटिव, ब्लडी प्रिमिटिव, है ना, जीनियस में ये वर्ड प्रिमिटिव यूज किया गया था कि प्रिमिटिव कल्चर के हो, तो प्रिमिटिव यानी प्राचीन, पुरानी, और एंटीक्वेटेड, एंटी, एंटी का मतलब पूर्व की, है ना, क्वेटेड वही पुरानी, और आर्केइक मानी भी पुरानी। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्व वेत्ता होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुरानी चीजों को खोज के लाते हैं, उन पर अध्ययन करते हैं, पुरानी चीजों का अध्ययन करने वाले को आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आर्क जब शब्द आएगा ए आर सी एच, तो पुरानी चीज दिमाग में आ जाएगी, एंटीक ए एन टी ई क्यू पुरानी आएगी दिमाग में, और ऐसे प्रिस्टाइन से भी पुराना और प्रिमिटिव से भी पुराना, ओल्ड, ओल्ड यानी होता है पुराना, हो गया। अब आप बताइए कि इसमें अब कोई दिक्कत हो तो बताओ, चलो बताओ फटाफट फटाफट। ऑब्सोलीट यानी क्या होता है, पुरानी के लिए, आउटमोडेड और आउटडेटेड, आउटमोडेड और आउटडेटेड, यूजलेस मानी क्या होता है, एंशिएंट यानी क्या होता है, प्राचीन, प्रिस्टाइन, प्रिमिटिव, आउट, एंटीक्वेटेड और आर्केक, प्रिस्टाइन, प्रिमिटिव, एंटीक्वेटेड और आर्केक, लिख दो भैया, कोई नहीं, देखिए ऑफिशियल मिसकंडक्ट, ये होता है आधिकारिक दुराचरण। देखो ऑफिशियल मिसकंडक्ट होता है आधिकारिक दुराचरण, आधिकारिक दुराचरण, कारिक दुराचरण मतलब ऐसा, मतलब जो अधिकारी लोग आपसे क्या कर ले, बुरा आचरण कर देता है, उसको कहते हैं ऑफिशियल मिसकंडक्ट। मॉल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं कुशासन, लिखते चलो फटाफट फटाफट, एडमिनिस्ट्रेशन कुशासन। मॉल ट्रीटमेंट दुर्व्यवहार, अब दुर्व्यवहार तो मैं भी तुमसे कर सकता हूं, तो मैं कोई अधिकारी थोड़ी हूं, दुर्व्यवहार, ठीक है ना। मॉल फैक्टर, मॉल फैक्टर मेल फैक्टर यानी तो अपराधी, अपराधी को इंग्लिश में और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिमिनल, और बोलो क्या बोलते हैं, कल्प्रिट, सी यू एल पी आर आई टी, और क्या बोलते हैं, फिलोन, एफ ई एल ओ एन, फिलोन यानी अपराधी, और क्या बोलते हैं, डी ई एल आई एन क्यू यू ई एन टी, डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट यानी भी क्या होता है, अपराधी। मॉलफिसेंस, मॉलफिसेंस होता है मिसकंडक्ट, दुराचरण, आधिकारिक दुराचरण, इसको भी आधिकारिक दुराचरण बोलते हैं। देखो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, मॉल एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है और आपका यह भी हो सकता है, लेकिन अगर हम दोनों में से चूज करेंगे तो यह ज्यादा नीचे वाला ज्यादा सही है, तो आंसर लगा दो आप मॉलफिसेंस। कुशासन भी एक प्रकार का यही होता है कि भाई प्रशासन आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, अधिकारी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, कुशासन कहेंगे उसे,
हटा दूं? हाँ, ये मुहावरा है, इन द ऑफिंग दो बार आ चुका है, 2022 में भी, 22 की एग्जाम में भी आया है, 2023 वाली एग्जाम में भी आया है। तो इन द ऑफिंग दो बार आ चुका है, अच्छा है। मतलब कॉज टू हैपन मानी कोई चीज घटने वाली है, शुरू होने वाली है। और इन द ऑफिंग का मतलब क्या होता है, ये बोल्ड कर रखा ना, ये मुहावरा है, ये तो पूरी लाइन है। जैसे ए मूवमेंट, एक आंदोलन फॉर द वर्ल्ड यूनिटी, सांसारिक एकता के लिए, इज इन द ऑफिंग, प्रारंभ होने वाला है। भाई इसका अर्थ क्या है कि जो संसार की यूनिटी के लिए एक आंदोलन है वो क्या होने वाला है, इन द ऑफिंग है। इन द ऑफिंग मतलब प्रारंभ होने वाला है। तो बोला आंसर क्या आएगा, इन द ऑफिंग अबाउट टू स्टार्ट, लिख दो इसका आंसर, लगा दो अबाउट टू स्टार्ट, प्रारंभ होना। और मुहावरा कौन सा है, इन द ऑफिंग। और आएंगे, एक बार और आया एग्जाम में, प्रारंभ होना, प्रारंभ होना, कॉज टू हैपन। इसका ज्यादातर एग्जाम में कॉज टू हैपन आता है, लेकिन अगर ये आ जाए अबाउट टू स्टार्ट तो ये भी सही है। अच्छा, ये इसमें ना मुहावरा कहां से कहां तक है जरा गिनना, देखना नोट से लेकर के सॉल्ट तक। मतलब देखो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ही इज नॉट बर्द, वो योग्य नहीं है, इज सॉल्ट, अपन के नमक के भी, मतलब वो अपने नमक के भी योग्य नहीं है अगर वो असफल हो जाता है इस जंक्चर में। जंक्चर, जंक्चर मानी होता है जुड़ाव। अगर वो इस संधि में, इस संधि में, इस सम्मेलन में क्या हो जाता है, वो इस संधि को करने में असफल रहता है तो वो कोई योग्य नहीं है, मतलब नमक के भी योग्य नहीं है, मतलब वो बेकार है, फालतू है, व्यर्थ है, यूजलेस है, बर्दलेस है। तो बोला ऐसा ऑप्शन कहां है जो बर्दलेस आ रहा है, ये रहा, क्वाइट बर्दलेस, मतलब फालतू, व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ। अच्छा एक जरा चीज बताना, इनमें से चार ऑप्शन है, जैसे वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, इसका मतलब क्या है, अपने ऊपर अभिमान करना। क्वाइट डिप्रेस्ड, बिल्कुल परेशान, व्यथित। और वेरी स्ट्रेंज, बहुत विचित्र, वेरी स्ट्रेंज, बहुत विचित्र, बिल्कुल व्यथित, और अपने ऊपर गर्व, और व्यर्थ। तो आंसर आएगा व्यर्थ। भाई मैंने कहा तू तेरी नमक की कीमत ही नहीं चुका सकता, तो मतलब तू के तेरा जीवन ही क्या है, व्यर्थ है, तो वो वर्दलेस हो जाता है। सही है, ये आपकी चार शीट्स आज कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, आज हमने चार क्वेश्चंस किए, जिनमें दो तो क्या थे आपके मुहावरे, और दो क्या थे वन वर्ड्स। अब आपके टोटल चार शीट्स में अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो अपन ने 40 क्वेश्चन करा दिए। और अगर वैसे देखा जाए तो आपको लगभग मैंने 100-150 से ऊपर वर्ड करा दिए, और भी ज्यादा, शायद 200 से ऊपर वर्ड करा दिए, है ना, 200 से ऊपर, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम सब मिला करके आप देखोगे ना, तो 200 से ऊपर मैंने आपको वर्ड्स करा दिए। चलो अब अपन आते हैं अपनी व्याकरण पर, यह शीट अपन की सॉल्व हो चुकी है, अब आते हैं अपन व्याकरण, ग्रामर। ग्रामर में हमारा जो टॉपिक था बेटा वो था क्वेश्चन टैक्स। क्वेश्चन टैग का कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा आज, है कौन सा, 15? अच्छा देखना, आपका यहां सब्जेक्ट कौन है, आपका सब्जेक्ट है यहां पर बर्फर्स्ट में, अरे सब्जेक्ट कौन है बर्फर्स्ट में, आईएनजी या 2+ बर्फर्स्ट, तो आपका क्वेश्चन टैग किसका बनेगा, क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या रहेगा, इट, क्या रहेगा, इट। कोई दिक्कत है नहीं है, जैसे देखो, देखना इसमें एग्जांपल, स्मोकिंग, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, धूम्रपान किसका कारण होता है, बोलो, हाँ बोलो बोलो। और मैंने कहा टू डांस यानी कि नाचना, टू डांस इज अ गुड एक्सरसाइज, नाचना एक अच्छी एक्सरसाइज है। चलो EXERCISE, हाँ इन दोनों क्वेश्चंस में आंसर बताओ क्या क्या आना है। ऊपर वाले में देखो कॉजेज में से क्या निकालोगे, डज, सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चन टैग कैसा बनाओगे, नेगेटिव, और स्मोकिंग में से क्या निकालोगे, इट। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, हा? नहीं है। अच्छा टू डांस इज, बोलो इज का क्या बनाओगे, इज, और सेंटेंस बन जाएगा, ये क्वेश्चन टैग बन जाएगा नेगेटिव, और टू डांस में से क्या निकालोगे, इट। अच्छा क्या मैंने ये बता दिया दिस और दैट का इट करना है, दीज और दोज का दे करना है, ठीक है, तो ये लिख दो फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को।
हो गया। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? एजी है, एजी है ना पैटर्न, ठीक है ओके। अब आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा? 16। देर वाला करा दिया मैंने, देर से शुरू होगा तो, देर से शुरू होगा तो क्वेश्चन टेक देर ही बनेगा। हाँ, हेयर से शुरू होगा तो हेयर बनेगा। अच्छा ठीक है, ये मेनली तो ये आता है, समबडी एनीबडी नोबडी एवरीबडी वाले करा दिए, समथिंग नथिंग एनीथिंग एवरीथिंग वाले करा दिए। हाँ मेनली ये आते हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर 16 में लिखो कि वर्ब जिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, लिखते चलो मेरे साथ, वर्ब जिस सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है, आती है क्वेश्चन टैग में उसी सब्जेक्ट का प्रोनाउन आता है, क्वेश्चन टैग में उसी सब्जेक्ट का प्रोनाउन आता है, आता है। ठीक है ना सर? कैसे, हमें तो पता ही नहीं है क्वेश्चन। अब ये वाली चीज कहां तुम्हें जानकारी मिलेगी पूरी कि भाई सब्जेक्ट कौन है, इसकी जानकारी तुम्हें कौन से टॉपिक में मिलेगी? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किसमें मिलेगी? सब्जेक्ट वर्ब। अभी तो एक हल्का से एक नियम लिख दिया अपन ने, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी फिर इसी में पढ़ाना पड़ेगा, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, अभी भी बहुत लंबा हो गया टॉपिक। तो अब देखो, मैंने कहा कि जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, मैंने कहा ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज सैड टूडे, इज सैड टूडे। अब मैं आपसे पूछू, चल बताओ इसके अंदर क्वेश्चन टैग कहां से बनाएगा? एक मैंने कहा कि द टेबल्स इन ऑफ दिस रूम, इस रूम की जो कुर्सियां टेबल्स हैं, ऑफ दिस रूम, ऑफ दिस रूम आर ब्रोकन, टूटी हुई हैं। ओके एक ये है। एक मैंने कहा अ टीम ऑफ प्लेयर्स PLAYERS, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज एक्सरसाइजिंग देयर, इज एक्सरसाइजिंग देयर। अब मैं तुमसे पूछूंगी बेटा इसमें कैसे आप वर्ब भरोगे? एक है आई एज वेल एज यू एम वेरी हैप्पी टुडे। बोलो, अब अगर मैं चारों सेंटेंसेज में तुमसे पूछूं कि इनमें क्वेश्चन टैग प्रोनाउन कैसे बनाओगे, तो बहुत आसान है। देखो यहां पर वर्ब क्या आ रही है, यहां पर क्या लिख दिया? इज। सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग। अब बताओ बॉय मानू के गर्ल मानू? गर्ल। आपका सब्जेक्ट कौन है? गर्ल। क्रिया के नजदीक तो क्या बनेगा? शी। अब आपको ये पता ही नहीं है कि गर्ल आपका सब्जेक्ट है, तो ये पता किसमें लगेगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। मैं आगे टॉपिक पढ़ा दूंगा, जब तक नहीं पढ़ा रहा हूं तब तक ये है कि आप पे एक आध दो क्वेश्चन ही गलत होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी नॉलेज नहीं मिलेगी तब तक तुम गड़बड़ करोगे, नॉलेज मिलते ही तो काम क्लियर है। अच्छा इसमें सब्जेक्ट कौन है? ऑफ से पहले, प्रपोजिशन से पहले होता है हमेशा सब्जेक्ट। कौन है? टेबल्स। टेबल्स क्या होंगी? इट या दे? तेरे की, दे होगी, बहुत सारी है ना, एक होती है तो इट होती है, और एक से ज्यादा तो कोई भी चीज हो, चाहे व्यक्ति हो, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, कोई भी हो, क्या होगा? इट। चलो ये दे हो गया, सॉरी। अब क्या आ जाएगा? आरंट दे। अगला बताओ, अगले में क्या है? आपका सब्जेक्ट कौन है इनमें से? टीम। टीम को क्या मानते हो? ही शी या इट? इट, क्योंकि टीम एक ग्रुप है, इट मानते हो। बताओ इज का क्या बनेगा? एजेंट। क्या बनेगा दोस्त? एजेंट। चल बता नीचे वाले में था सब्जेक्ट कौन है? एज वेल एज के अकॉर्डिंग तू बता रहे क्या है सब्जेक्ट? खड़ा हो, पहले दिन आया तू, तो इस बैच में एंट्री क्यों ली तूने? शाम वाले माने तू ऐसा मत बैठ, क्योंकि ऐसे तो ऐसे बैठ के तो तू क्यों मतलब टाइम पास करता तेरा भाई? तैयारी करनी है तो ढंग से कर, तेरा चित्त तो कहीं और है, पढ़ को छोड़ रहा है। क्या आएगा? आरंट आए। कैसे आरंट आए? क्योंकि देख एम का तो क्या बनेगा? आरंट, और उसमें सब्जेक्ट कौन है? आई, क्योंकि एम के अनुसार, एम किसके अनुसार है? आई के अनुसार, तो आई बनेगा आपका, सही है ना। इस तरह का क्वेश्चन अब की बार टेस्ट में भी आया था, आया था कि नहीं आया था? लिख दो फटाफट से। अब आ जाओ आप अगले पॉइंट पर, सुनना अच्छे से। कई बार आपको नॉट परेशान करेगा बहुत ज्यादा,
क्या करेगा आपको परेशान? नॉट। तो कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चल रहा है? 17। नॉट का कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से। अगर मान लो आप ये वाला आपका सब्जेक्ट है ना, यहां पर आपकी वर्ब है और इस वर्ब के बाद नॉट टू आ रहा है। क्या आ रहा है? नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो आपको क्वेश्चन टैग कैसा बनाना है? नेगेटिव बनाना है। कैसा बनेगा? क्यों सर ऐसा क्यों? नेगेटिव जब नॉट आ चुका है तो क्यों? क्योंकि देखो बेटा ये वाली क्रिया तो कैसी है? पॉजिटिव। ये वाली क्रिया नेगेटिव है। अपन को क्वेश्चन टैग इस क्रिया में से बनाना है। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं कि शी हैज डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया है, शी हैज डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया है नॉट टू हेल्प मी। क्या करने का? मेरी मदद ना करने का। अब अपन क्वेश्चन टैग किस क्रिया का बनाएंगे? इसका या इसका? इसका ही बनाएंगे ना, यस और नो? तो बोलो इसमें से क्या लगेंगे? हैज। और आप क्या सोचते हो? नॉट देख करके पॉजिटिव बनाना है क्वेश्चन टैग। आप तो यही सोचते हो ना। तो ये ध्यान रखना कि ये नॉट कहां आ रहा है। अरे बोलना कहां आ रहा है बेटा? यहां आ रहा है टू प्लस वर्ब फर्स्ट से पहले। यहां नहीं आ रहा नॉट। अब यहां नहीं आ रहा तो ये क्रिया तो पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। और शी का शी, बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। है जैसे मैंने कहा, एक और आया, दे आर प्लानिंग, वो योजना बना रहे हैं। दे आर प्लानिंग नॉट टू सरेंडर। चल बता आंसर, बता क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? आरंट दे। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ गई? लिख दो। हाँ भैया हो गया? बोलो कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? बढ़िया ना, क्लियर हो गया नॉट टू वाला मामला? क्लियर। अब सुनो, अब अपन पढ़ रहे हैं डबल क्लोज वाले। एडिंग डलेगी डबल क्लोज वाले क्वेश्चन टैग, डबल क्लोज क्वेश्चन टैग या डबल क्लोज सेंटेंस, उनका अपन क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? मेन बात यह है सर, डबल क्लोज कैसे, मतलब डबल क्लोज देखो ऐसे सुनो, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चलेगा इसका? वन। कॉन्सेप्ट नंबर वन सुनो, एक सब्जेक्ट और वर्ब ये रही, देख लो बेटा इधर देखो एक मिनट, और यहां कंजंक्शन क्या क्या आ रहे हैं? एंड, बट और, यट, सो, फोर, इसके अलावा अदरवाइज, ये देख लो आप। और लिख देता हूं मैं, ढंग से लिखता हूं इनको, एक बार इनको ढंग से लिख देता हूं। देखो एंड और बट यट सो देयरफॉर therefore देयरफॉर, इसके अलावा हाउएवर, क्या हाउएवर, अदरवाइज otherwise, फिर इससे एक और सब्जेक्ट दोबारा देखो और एक और वर्ब। अब बोलो क्वेश्चन टैग किसका बनेगा? इसको कहते हैं अपन उपवाक्य नंबर वन, क्लॉज नंबर वन, इसको बोलेंगे क्लॉज नंबर वन। क्लॉज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य, क्या कहते हैं? और इसको क्या बोलेंगे अपन? क्लॉज नंबर टू। तो आपका क्वेश्चन टैग किसका बनेगा? क्लॉज टू का। किसका बनेगा? क्लॉज टू। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन टैग में किसका क्लॉज गया? क्लॉज टू। अब ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कछुई सब्जेक्ट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अपन को लेना देना किससे? उससे। जैसे मैंने कहा देखो, शी इज नॉट हैप्पी, वो तो खुश नहीं है। शी इज नॉट हैप्पी बट हर हस्बैंड इज हैप्पी, लेकिन उसके पति खुश हैं। बट हर हस्बैंड इज हैप्पी। अब मैं तुमसे कहूंगी क्वेश्चन टैग बनाओ, तो बोलो किस में से बनाओगे? बोलो आप सीज में से बनाओगे या हस्बैंड वाले सेंटेंस में से बनाओगे? हस्बैंड वाले सेंटेंस का बनाएंगे। तो कैसे बनेगा बोलो? इज का क्या बनेगा? इजंट। और हस्बैंड के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? ई। मान लो तुमको ध्यान ही नहीं होता, ये रूल ही नहीं आता, रूल नहीं आता तो तुम किस में से बना देते? इसमें से गड़बड़ हो जाता। क्यों बनाया आपने इसमें से? क्योंकि किससे जुड़ रहे हैं? बट से। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैं तो क्या हूं? एक टीचर हूं।
एंड और यू आर अ स्टूडेंट, और तुम कौन हो? एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। चलो बताओ, हाँ बोलो क्या बनाओगे? इसमें से बनेगा किस, क्या बनेगा? आरंट यू। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अपन उसमें से बनाएंगे क्यों कुछ नहीं। देखो एक और कि आई बग्ड हार्ड, मैंने खूब मेहनत की, बग्ड हार्ड, बग्ड हार्ड, मैंने खूब मेहनत की, अदरवाइज नहीं तो, अदरवाइज अन्यथा आई माइट फेल, मैं क्या हो सकता था? फेल हो सकता था, आई माइट फेल। चलो बताओ क्या आएगा? यहां पर इसमें से बनेगा क्या? माइट का माइट, एन अपोस्ट्रोफ टी, और इधर जाएगा आई। अगर तुमने उसमें से बना दिया तो क्या हो जाएगा? गलत। सुन लो, अब मैं नियम क्या लिखाऊंगा कि यदि दो क्लॉसेज, यदि दो क्लॉसेज, क्लॉसेज मानी उपवाक्य, यदि दो वाक्य एंड और बट यट सो देयरफॉर एवर हाउएवर और अदरवाइज से जुड़े हों तो क्वेश्चन टैग अपने नजदीक वाले क्लॉज से बनता है। क्वेश्चन टैग अपने नजदीक वाले क्लॉज से बनता है या फिर सेकंड क्लॉज से बनता है, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। फिर वो नजदीक वाला लिख करके और फिर अपन ये कॉन्सेप्ट लिख देंगे और हैंड टू हैंड ये लिख देंगे। सही है क्या? बोलो क्या बोलते हो? लिखो, यदि 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 एक सेंटेंस में दो क्लॉसेस, यदि एक सेंटेंस में दो क्लॉसेस, यदि एक सेंटेंस में दो क्लॉसेस, यदि एक सेंटेंस में दो क्लॉसेस एंड कॉमा बट कॉमा यट, एंड कॉमा बट कॉमा यट कॉमा सो कॉमा फोर, लिख दिया कॉमा देयरफॉर टी एच आर ई एफ ओ आर ई, और लिख दिया और कॉमा, और कॉमा हाउएवर कॉमा अदरवाइज, कॉमा हाउएवर कॉमा अदरवाइज से जुड़े हों कॉमा हाउएवर कॉमा अदरवाइज से जुड़े हों तो क्वेश्चन टैग नजदीक वाले क्लॉज का बनता है, तो क्वेश्चन टैग नजदीक वाले क्लॉज का बनता है। ये आया समझ में? चलो कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा आएगा? सेकंड। इसको ध्यान से समझना, अगर दो क्लॉज, सुन लो ये कंजंक्शन होते हैं कौन कौन से, सुनो ये रहा व्हेन, एक मिनट इधर देख लो, व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, इफ, अनलेस, टिल, अंटिल, टिल, अंटिल, बिकॉज, इनकेस, बिकॉज, इनकेस, इनकेस, सिंस, एज, ये सब कंजंक्शन है। और इनसे अगर दो क्लॉज जुड़े हों तो इनसे जो जुड़ा हुआ जस्ट इनके बाद वाला जो क्लॉज होता है, इनके जस्ट जुड़ा हुआ क्लॉज, वो तो कहलाता है सबॉर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज? अरे बोल कौन सा क्लॉज? मतलब अधीनस्थ वाक्य। कौन सा? इनके साथ जुड़ा हुआ जो क्लॉज है वो अधीनस्थ कहलाएगा, और कभी भी अधीनस्थ से क्वेश्चन टैग नहीं बनता। आपको किससे बनाना है? अधीनस्थ क्लॉज कहलाएगा। आपको प्रिंसिपल क्लॉज में से बनाना है। किसका बनाना है? सर ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? पीसी, यानी कि प्रधान उपवाक्य। सर ये प्रधान उपवाक्य कौन सा मिलेगा हमको? प्रधान उपवाक्य का मतलब होगा कि आपका इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। तो आपको क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग किसका बनाना है? प्रिंसिपल क्लॉज का। सर एक भी मिनट, एक भी बात समझ में नहीं आई। देखो मैं समझाता हूं, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है, इजी चीज है। जैसे देखो मैंने कहा कि व्हेन यू केम इन, जब तुम अंदर आए, व्हेन यू केम इन, जब तुम अंदर आए, आई वॉज सिंगिंग या आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं क्या देख रहा था? मैं क्या देख रहा था? टीवी देख रहा था। मैंने कहा इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, तो आपको देख, आप देख पा रहे हो कि इसमें दो क्लॉज हैं और किससे जुड़ रहे हैं? व्हेन से। एक कर्ता एक क्रिया ये रहा, एक कर्ता एक क्रिया ये रहा,
तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब किससे जुड़ रहे हैं, वैन से, तो आपका कौन से वाले का नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, वैन से जुड़ा हुआ क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है, इसका क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा, क्वेश्चन टैग इसमें से बनाओगे आप, आया समझ में? तो अब यहां से क्या बनेगा, क्या बनेगा, वाजंट आई, मैंने कहा देखना शी वॉज लेट, वो देरी से आई, शी वॉज लेट बिकॉज बिकॉज शी गॉट अप लेट, वो देरी से जागी, गॉट अप लेट, भाई वो लेट हो गई क्यों, क्योंकि वो देरी से जागी। अब जरा बताओ कि इसमें क्वेश्चन टैग किसका बनाओगे आप, इसका तो नहीं बनाना, कौन से का, इसका मत बनाना, किसका बनेगा, शी वॉज का। सर क्यों, कि वो कौन सा क्लॉज है, सबॉर्डिनेट। सर ये वाला सबॉर्डिनेट क्यों है, सबॉर्डिनेट तो इधर होता है ना, नहीं इधर नहीं होता, ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ जो क्लॉज होगा वो ही सबॉर्डिनेट होगा। अब इधर तो वैन से इधर जुड़ा हुआ था तो ये वाला सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया, और इधर इधर जुड़ा हुआ है तो ये वाला हो गया। अब आपका यहां से बनेगा क्वेश्चन टैग, तो क्या बनेगा, वाजंट शी। एक और क्वेश्चन देखो, मैंने कहा इफ अगर यू टेल ए लाई, अगर तू झूठ बोलता है, टेल ए लाई, अगर तू झूठ बोलता है, योर फादर, तो तेरे पिता, विल स्कोल्ड यू, तुझे डांटेंगे। बोल किसका बनेगा, किसका बनेगा, फटाफट बोल किसका बनेगा, इफ वाले क्लॉज का या ये दूसरे वाले क्लॉज का, क्योंकि इफ वाला क्लॉज, ये वाला तो कौन सा क्लॉज है, सबॉर्डिनेट, और ये वाला क्लॉज कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल क्लॉज का क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, फादर कौन होते हैं, ही, और बिल क्या होगा, वॉन्ट, क्या हो जाएगा, वॉन्ट ही। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, आया समझ में? तो लिखो यदि, यदि दो क्लॉजेज, यदि दो क्लॉजेज निम्न कंजंक्शन से जुड़े हों, कंजंक्शन की स्पेलिंग ये लिख दी, सी ओ एन जे यू एन सी टी आई ओ एन एस, संयोजक शब्द, यदि दो क्लॉजेज निम्न कंजंक्शन से जुड़े हों, निम्न कंजंक्शन से जुड़े हों, तो क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग प्रिंसिपल क्लॉज, प्रधान उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज का बनता है। कॉन्सेप्ट नंबर टू क्लियर है, ओके। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर थ्री, कल आपका नया टॉपिक चलेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा कल, तो 15-1 मिनट में, और फिर कल नया टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है, इन्वर्जन चालू करेंगे, इन्वर्जन ऑफ वर्ब्स। कितने लोग लिख रहे थे, हो गया, अब कौन रह रहा है, देखो कॉन्सेप्ट नंबर थ्री पहले समझना चाहिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो ये डबल क्लॉज है, मैं हमेशा डबल क्लॉज को अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, ये लिख दिया मैंने सब्जेक्ट और ये लिख दी इसकी वर्ब, और एक और सब्जेक्ट और एक और वर्ब, हो गए दो दो क्लॉज। अच्छा अब ये दोनों क्लॉज किस किस से जुड़ रहे हैं, एक तो दैट से जुड़ रहा है, एक जुड़ रहे हैं इफ और वेदर से, किससे, और इफ और वेदर का यहां पर अर्थ की क्या है, क्या है, और दैट का अर्थ तो तुम जानते ही हो कंजंक्शन के रूप में क्या होता है, की, और ए के डब्ल्यू एच वर्ड, ये तीन चीज है बस, अगर इनसे जुड़े हुए आपको दो क्लॉज मिलते हैं, मोटे अक्षर लिखूं, तो अच्छा ये पत मतलब लेटर्स फॉन्ट पत ले लूं, चलो हां ये सब्जेक्ट वर्ब का आइडिया तो लग जाएगा, ओके ये तो लग जाएगा। अब देखो ये कंजंक्शन कौन सा है, दैट, अब सही है, इफ, और ये वेदर, ये एक नंबर कौन सा होता है, अरे ये कौन सा होता है,
कि क्या तुम्हारी आदत है गुंडों जैसी है, एक नंबर दो नंबर। देखो क्वेश्चन टेक कौन से क्लॉज का बनेगा, मेन क्लॉज का, प्रिंसिपल क्लॉज का। बोलो प्रिंसिपल इन दोनों में से कौन सा है, पहला वाला। ये प्रिंसिपल क्लॉज है सर, इसका बनेगा। मैंने कहा हाँ कि सर क्यों, क्योंकि मेन तो यही होता है, प्रिंसिपल क्लॉज का ही बनता है। यहां ये वाला क्लॉज कौन सा है, अरे कौन सा क्लॉज है ये, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका नहीं बनेगा। आपका जो क्वेश्चन टैग है वो किसका बनेगा, बोलो क्वेश्चन टैग किसका बनेगा, प्रिंसिपल क्लॉज का बनेगा। जैसे सर क्वेश्चन बताओ कैसे आता है, जैसे मैंने कहा आई नो दैट, मैं जानता हूं कि, आई नो दैट मैं जानता हूं कि, सॉरी नो दैट मत बनाओ, इसका बनाओ कि she thinks दैट, वो सोचती है कि, she thinks दैट वो सोचती है कि I am her brother, कि मैं उसका भाई हूं। अब बताओ क्वेश्चन टैग बनाओ, कैसे बनाओगे, किसका बनाओगे, she thinks का, thinks में से क्या निकालोगे, does, सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, she का, she, ओके। अगला देखो, मैंने कहा कि I asked मोहन, मैंने मोहन से पूछा, MOHN, if, की क्या, पूछूंगा तो की क्या ही आएगा इसका अर्थ, कि क्या ही वह न्यू, जानता था मी, मुझे, कि वो मुझे जानता था कि नहीं। बोलो किसका बनेगा क्वेश्चन टैग, आई आस्क का, बोलो आस्क में से क्या निकालोगे, डिड, सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नेगेटिव और सब्जेक्ट आई, अगर इसमें से बनाते तो ही लगा देते, तो क्या लगा देते, ही। एक और देखो, दे उन्होंने इंक्वायर्ड पूछा ऑफ मी मुझसे, उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट की क्या, आई मैं हैड डन कर चुका था फॉर देम उनके लिए, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने उनके लिए क्या किया था। बताओ इसमें क्वेश्चन टैग किसमें से बनाओगे, बोलो बोलो आई हेड में से, तो कैसे बनेगा, गलत गलत, आई हेड में से नहीं बनेगा, क्वेश्चन टैग कहां से बनेगा, दे इनक्वायर्ड में से बनाओ, क्या बनाओगे, डिडंट, और अगर इधर से बनाते तो क्या बनता, क्या बनता, हैडंट आई। इधर से क्वेश्चन टैग गलत बनेगा, इधर से क्वेश्चन टैग भी गलत बनेगा, और इधर से क्वेश्चन टैग गलत बनेगा। क्वेश्चन टैग तो केवल कहां से बनेगा, मेन क्लॉज में से बनेगा। तो लिखो कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है, थ्री। यदि सेंटेंस के अंदर या सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में दो क्लॉसेस दैट इफ वेदर डब्ल्यू एच वर्ड से जुड़े हों, That if whether WH word से जुड़े हों, That if whether WH word से जुड़े हों, तो question tag principal clause का बनता है। प्रिंसिपल क्लॉज का बनता है। आओ सर, सर हाँ भैया, रैंक लिस्ट देना गौरव, हाँ भैया इसको लिखते रहना जब तक आपकी रैंक लिस्ट अपडेट हो गई, आ गई है टेलीग्राम पे भी डल गई है। तो अभी इसमें थर्ड रैंक का कोई कैंडिडेट नहीं है, डायरेक्ट दो सेकंड रैंक पर है और दो थर्ड रैंक, मतलब फोर्थ रैंक दे रखी है लेकिन है थर्ड रैंक। अब देखिए सबसे पहले मैं थर्ड रैंक कैंडिडेट को बुलाना चाहूंगा, गीतेश कुमार सेन, जीतेश, जीतेश, जीतेश कुमार सेन आजा भाई। भैया ने 85 का स्कोर किया है, 50 में 44 क्वेश्चन राइट किए हैं और 6 रॉन्ग, ये नेगेटिव घटा देना भैया, कम करना, 44 ही कर लेते, कोई बात नहीं, आ जाओ एक बार जोरदार ताली हो जाए भैया के लिए। सर सर आओ इधर आके खींच, इधर आके यार,
तो तेवर नहीं नहीं नौकर यू नहीं नौकर हाँ पीछे अंदर ये ओके अब आते भैया अमन प्रजापत, अमन प्रजापत आजा, वेरी गुड, सेम कंडीशन, 85 मार्क्स हैं, 44 राइट है, 6 रॉन्ग है, इन्हें मत करियो छेड़ने अगली बार, आओ जोरदार ताली हो जाए इस बच्चे के लिए, तालियों में जान नहीं है तुम्हारी, में तुम्हारे लिए भी नहीं बजनी, ध्यान रखना। हाँ अगले हैं, खुश रहो, दिलखुश गुर्जर भैया की सेकंड रैंक है, आ जाओ फटाफट से, 85.5 अंक है, 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 रॉन्ग है, 1 इन्होंने खाली छोड़ दिया, आ जाओ इधर से आ जाओ, हाँ और साथ में ही खड़े रहो, नूतन शर्मा नूतन शर्मा की भी सेम कंडीशन है, 44 क्वेश्चन राइट, 5 रॉन्ग, 1 ब्लैंक, बहुत बढ़िया। तेरे पापा का नाम क्या बेटा? हाँ अच्छा ठीक है। और अब आते भैया पहली रैंक पे कैंडिडेट, पहली रैंक पर है सचिन गुर्जर, गजब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, 87.5 मार्क्स है इसके, 45 क्वेश्चन राइट, 5 रॉन्ग, गजब, फर्स्ट क्लास। अब पहला टेस्ट है तुम्हारा,